तो भैया आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IDFC फर्स्ट बैंक में FD कैसे करें घर बैठे। IDFC फर्स्ट बैंक में अगर आपका अकाउंट है और आप FD करना चाहते हैं यानी फिक्स्ड डिपॉजिट, तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया वीडियो है। यहां पर आपको पूरा पूरा जानकारी देंगे और FD करके भी दिखाएंगे। मैं एक FD करने के लिए जा रहा था, सोचा भाई अपने भाइयों के लिए दिखा दूं कैसे FD करना होता है, तो बहुत सारे लोग देख करके FD कर लें। अब आप बोल रहे होंगे FD करने का फायदा बताइए। देखिए सिंपल सा फायदा होता है कि जब आप अपना बैलेंस सेविंग अकाउंट में रखते हो तो वहां पर आपको इंटरेस्ट कम मिलता है, लेकिन वही पैसा अगर आप अपनी FD में डाल देते हो तो ब्याज आपको बढ़ जाता है। यहां पर आपको बताएं कितना ब्याज मिलेगा, लाइव दिखाएंगे। अब आप बोलोगे भैया सेविंग अकाउंट में हमारा पैसा पड़ा हुआ है तो वो तो हम कभी भी यूज कर लेंगे, अगर हमने उस पैसे की FD कर दी तो हमारा पैसा लॉक हो जाएगा। तो जिस जमाने में आप जी रहे हैं उसमें थोड़ा निकल के बाहर आइएगा और हमारे चैनल से जुड़िएगा, आपको नॉलेज मिलेगी, नई नई अपडेट, तो आप समझोगे। आजकल जमाना बदल गया है और आपको अब नई नई फैसिलिटी मिलती है जिसमें आप घर बैठे FD कर भी सकते हो और कभी भी किसी भी इमरजेंसी में अपनी FD को आप तोड़ भी सकते हो, यानी क्लोज भी कर सकते हो, इंस्टेंट आपका पैसा आपके बैंक खाते में आ जाएगा। तो अब वो जमाना नहीं रहा कि आप बैंक में जाओगे आपकी FD नहीं टूटेगी, यहां पर आप लोग कभी भी अपनी FD को क्लोज कर सकते हो घर बैठे बैठे अपने फोन से। और IDFC फर्स्ट बैंक में तो FD करने का एक और बड़ा फायदा यह है कि यहां पर आपको ब्याज अदर बैंक की तुलना में ज्यादा मिलता है, और वो भी अगर आप चाहो तो मंथली ले सकते हो। और जब भी आप अपनी FD को क्लोज करोगे वो सारा का सारा पैसा और ब्याज सहित आपके बैंक खाते में आपको वापस मिल जाएगा। सो यहां पर ये बात की टेंशन मत लीजिएगा। सो FD करने का एक और सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका पैसा कम नहीं होता है। जैसे कि अगर आप अपने बैलेंस को सेविंग खाते में रख रहे हो वहां पर आपको 3% 4% का ब्याज मिल भी रहा है, सो आपका पैसा घट रहा है। अब बहुत सारे लोग बुद्धिमान होंगे, भैया बोलेंगे पैसा तो हमारा 1 लाख हमने डाला था, 1 लाख का 1 लाख ये कहां घट रहा है। देखिए इसको आपको समझना होगा, ये पैसा आपको दिखता नहीं है कि पैसा घट रहा है कि बढ़ रहा है, आपका पैसा उतना ही रहेगा लेकिन पैसा की कीमत घट जाएगी। जैसे कि मान लीजिए आपने अपने सेविंग खाते में 1 लाख रुपए डाल दिया, अब ये पैसा आज आपने डाला और आज आपको 1 लाख रुपए में जो चीज मिल रही है, मान लीजिए जमीन खरीद रहे हैं आप, 1 लाख में जमीन नहीं मिलती, उदाहरण ले रहा हूं, जैसे 1 लाख की जमीन आज आपको मिल रही है, उसी जमीन को आप 1 साल 2 साल बाद जाइए खरीदने के लिए, क्या आपको 1 लाख मिलेगी? नहीं मिलेगी, उसकी कीमत 1.5 लाख रुपए हो चुकी होगी। लेकिन जो आपका पैसा है वो पैसा आपका वैसा ही का वैसा है, 1 लाख है, लेकिन 1 लाख में जमीन नहीं आ रही, मतलब पैसा आपका कम हो गया, उसकी कीमत आपकी कम हो गई। तो हमारे इंडिया में हर साल 6% से लेकर 7% दर से हमारी जो महंगाई बढ़ती है, जैसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, तो इस प्रकार से आप लोगों को अपने पैसे को बढ़ाना होगा, यानी उसको बराबर करना होगा। तो इसके लिए आपको FD करना होगा या शेयर मार्केट में पैसे को डालना होगा। शेयर मार्केट में अगर आप रुचि रखते हैं, इंटरेस्टिंग है, आपको नॉलेज है तो डालिएगा। इसके लिए हमारा अलग चैनल है, उस पर जाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। लेकिन आज की वीडियो देख करके आप FD करके भी अपने पैसे को बराबर लाइन पर रख सकते हो, क्योंकि यहां पर आपको 6-7% का ब्याज मिल जाएगा, जो कि इतनी महंगाई बढ़ती है उतने हिसाब से आपका पैसा यहां पर बराबर रहेगा। और IDFC फर्स्ट बैंक में जो FD आप करोगे ये आप अपने फोन से करोगे, घर बैठे करोगे, कहीं भी आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष प्रजापति और आप सभी लोगों को इसी प्रकार की जानकारी मिलती रहती है। तो अगर वीडियो पसंद आता है लाइक कर देना यार, अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट करिएगा, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करिएगा और अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए हम बताते हैं आपको FD कैसे करना होता है। दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक में FD करने के लिए आप लोगों को IDFC फर्स्ट बैंक की नेट बैंकिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें अकाउंट को बना लेना है। अकाउंट बनाना यहाँ पर बहुत सिंपल है, सिंपल से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है इसका नेट बैंकिंग एप्लीकेशन। इसमें आपको अकाउंट क्रिएट कर लेना है, हमारा अकाउंट इसमें ऑलरेडी है तो इस प्रकार से मैंने लॉगिन कर लिया है। अगर आपका भी अकाउंट इसमें है तो आप लोग इसको लॉगिन कर लेना है, इसी से आपकी FD होगी और इसी से आप FD को बंद भी कर पाएंगे। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद इस प्रकार से कुछ आपको यहाँ पर इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप लोगों को ऊपर साइड में यहाँ पर एक स्क्रॉल डाउन करने का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करिएगा इस प्रकार से, और यहाँ पर आपको ऑप्शन ढूंढ लेना है डिपॉजिट का। तो आप इस प्रकार से डिपॉजिट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा पहले से तो वो आपको शो हो जाएगा, या फिर अगर यहाँ पर ऑप्शन आपको नहीं मिलता तो सिंपल सा यहाँ पर आप लोग देखिए सर्विस वाले ऑप्शन पे आइएगा, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, इस पर एक बार क्लिक करिएगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आप लोग FD RD का ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, एक बार इस पर क्लिक करिएगा तो भी आप उसी वाले पेमेंट पेज पर पहुंच जाओगे। अब यहाँ पर आप लोगों को देखिए कई सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, तो यहाँ पर सिंपल सा पहले नंबर का जो ऑप्शन है क्रिएट FD का, तो यहाँ पर आप लोगों को इस पर क्लिक कर देना है एक बार सिंपल सा। जैसे यहाँ पर आप क्रिएट FD पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को इस प्रकार का ऑप्शन आएगा जहां पर आप लोगों को FD करनी होगी अपनी। ऊपर आपका अकाउंट नंबर दिख रहा होगा, आपका नाम होगा जिसके नाम से अकाउंट होगा, यहाँ पर आपको अपना बैलेंस दिख रहा होगा कितना बैलेंस आपके अकाउंट में है। सो जितनी भी आप FD करना चाहते हो सिंपल सा उसकी FD का अमाउंट डालिएगा। तो हम यहाँ पर आपको दिखाने के लिए 50,000 रुपये का अमाउंट डाल देते हैं।
इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को चुनना पड़ेगा एक प्लान, यानी कि आप इस एफडी को कितने टाइम के लिए करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बेस्ट प्लान का ऑप्शन रहता है, जहाँ आप लोगों का ऑटोमेटिक रहेगा। यहाँ पर बताया गया 7.75% का आपको रिटर्न मिलेगा, जिसमें आपकी 549 दिन के लिए एफडी हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ से ऑल प्लान पर क्लिक करिएगा एक बार, यहाँ से आप अपने मनपसंद का एक प्लान चुन सकते हैं कितने टाइम के लिए एफडी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप कम से कम 7 दिन से लेकर 14 दिन वाला प्लान ले सकते हो, जिसमें आपको 3.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर एफडी के जो बेस्ट प्लान है, जिन पे इंटरेस्ट आपको काफी हाई मिलेगा, वो यहाँ पर आप लोगों को दो ऑप्शन मिलते हैं। एक मिलेगा 367 दिन से लेकर के 548 दिन का, यहाँ पर इसमें मिल रहा है आपको 7.25% के हिसाब से ब्याज। एक ऑप्शन आपको नीचे मिलता है 549 दिन से लेकर के 3 साल का, जिसमें आपको 7.75% का ब्याज मिल रहा है। सो आपको जितने टाइम में एफडी करना है उतना आप यहाँ पर सिलेक्ट करिएगा। यहाँ पर 367 दिन का एक प्लान सिलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा इस पर। सो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा प्लान यहाँ पर सिलेक्ट हो गया, जहाँ बताया गया है कि आपको 7.25% का ब्याज मिलेगा। सिंपल सा यहाँ पर आप लोगों को देख लेंगे कितना अमाउंट आपकी मैच्योरिटी मिलेगा, वो भी आपको शो हो रहा है। हमारी जो एफडी मैच्योर होगी वो बोलेगी 26 अप्रैल 2024 को, लेकिन आप चाहो तो इस एफडी को आप इस डेट से पहले भी क्लोज कर सकते हो। नीचे आपको बताया गया है कि आपकी एफडी जब क्लोज होगी तो यहाँ पर कितना ब्याज सहित आपको अमाउंट वापस मिलेगा। अगर हम यहाँ पर 1 साल के लिए 50,000 रुपए की एफडी करते हैं तो हमारे लिए ब्याज यहाँ पर मिलेगा 3,737 रुपए का, जो कि हमारे टोटल 53,737 रुपए हमारे खाते में वापस हमको मिल जाएगा। अब नीचे आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर इंटरेस्ट का, तो आप इंटरेस्ट कितने टाइम में लेना चाहते हैं अपने हिसाब से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। क्वार्टरली है, मंथली है, तो यहाँ पर मैं इसको कर लूंगा मंथली। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा कब आपको इंटरेस्ट यहाँ पर चाहिए। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ऑटो रिन्यू का, यानी आप अपनी एफडी को ऑटो रिन्यू करना चाहते हैं। अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं तो अगले साल जैसे ही आपकी एफडी क्लोज होने का टाइम आता है, ये ऑटोमेटिक उसको रिन्यू कर देगा अगले साल के लिए। लेकिन अगर आप यहां पर इसको बंद कर देते हैं तो अगले साल आपकी एफडी का पैसा आपके खाते में आ जाएगा, ये ऑटोमेटिक रिन्यू नहीं होगा। मैं इसको सिंपल सा ऑन कर देता हूं। उसके बाद यहां पर हम क्रिएट एफडी पर क्लिक करेंगे। अगर आप एफडी करना चाहते हैं तो आपको सिंपल सा इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है क्रिएट बार। वेरिफिकेशन के लिए आपके मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस आएगा, तो उस एसएमएस को आपको डाल देना है। यहां पर ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक कर देना है। 1 मिनट से कम का भी टाइम लगा और हमारी एफडी यहां पर क्रिएट हो चुकी है। अब यहां पर आप लोगों को बताया गया है कि आपके एफडी का नंबर है, इसे आप संभाल के रख लीजिएगा। और यहां पर अमाउंट बताया गया है, सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। आपका सेविंग अकाउंट का नंबर भी बताया गया है। इसके साथ यहां पर आपका एक चेंज नॉमिनी का ऑप्शन है, सो आप इस पर क्लिक करके अपनी नॉमिनी को भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एफडी का एडवाइस यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप। सो इस प्रकार से यहां पर आप लोगों का जो एफडी का एक आप प्रूफ समझ सकते हैं, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहां बताया गया सारी एफडी का यहां पर अमाउंट वगैरह और आपकी एफडी की यहां पर सारी इंफॉर्मेशन है। सो आप इसको डाउनलोड कर रख लीजिएगा। इसके अलावा आप चाहो तो यहां पर मेल पे भी एफडी का एडवाइस भेज सकते हो क्लिक करके। सो यहां पर हम डन पर क्लिक करते हैं, हमारी एफडी यहां पर क्रिएट हो चुकी है। अब कभी भी अगर आपको एफडी को देखना है कि मेरी एफडी कहां मुझे दिखेगी, तो सिंपल से यहां पर आप लोगों को आना है, अकाउंट वाले ऑप्शन नीचे क्लिक करना है। होम के दूसरे नंबर पे ऑप्शन मिलेगा आपको अकाउंट का, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहां पर आप लोगों को कई सारे ऑप्शन मिलेंगे अकाउंट के, कार्ड के, डिपॉजिट के। सो आपको ऊपर साइड से यहां पर देख करके डिपॉजिट वाले अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे हम डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर हमारे लिए जो भी एफडी है वो बताई गई है। हमारी 1,00,000 रुपए की एफडी नीचे दिख रही है, वो जो अभी फिलहाल हमने की है वो करिए 50,000 रुपए की। यहां पर हमारी 50,000 रुपए की एफडी भी शो हो रही है। ये डेट शो हो रहा है, कभी मैच्योर होगी, कितना अमाउंट है, सब कुछ दिख रहा है। अब इन केस अगर कभी फ्यूचर में आप इस एफडी को बंद करना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपल से यहां पर 3 लाइन पर क्लिक करिएगा। इसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है एक यहां पर क्लोज एफडी का, तो आप इस पर क्लिक करिएगा और यहां से आप अपनी एफडी को बंद कर पाएंगे। जैसे आप बंद करेंगे तो आपका पैसा विद इन 24 घंटे के अंदर आपको बैंक खाते में वापस मिल जाएगा ब्याज सहित। इसके अलावा यहां पर आप अपनी नॉमिनी ऐड कर सकते हो इसमें। इसके अलावा यहां पर ये सारे के सारे हम आपको बता ही चुके हैं। सो इस प्रकार से आप घर बैठे बैठे IDFC फर्स्ट बैंक में अपनी एफडी को कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।